मध्य प्रदेश में सेलिंग अकादमी की एक महिला खिलाड़ी के बिन ब्याही मां बन जाने के मामले में खेल मंत्री जीतू पटवारी ने व्यवस्था की खामी स्वीकार की है। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने भोपाल में बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में चार लोगों को पहली नजर में दोषी मानते हुए सस्पेंड किया गया है और भविष्य में ऐसी घटना न हो इस बात के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। पटवारी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के सभी हॉस्टलों में वार्डन के अलावा डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया है। उसमें चार लोगों को दो कोच दो वार्डन प्रथम दृष्टया सस्पेंड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आगे ऐसी गति नहीं हो इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये घटना चूँकि जो संज्ञान में आई है वो बच्ची ने स्वीकार किया है कि उसका जो जिस परिवार के साथी से उसका संबंध था उसका उन्होंने नाम बताया है। मैं समझता हूँ बालिक बच्ची है पर एकेडमीज में इतनी देर बाद पता नहीं चला, इसके लिए दोषी हम व्यवस्था को मानते हैं और उसी के लिए ये एक तरह से एक्शन लिया गया है। हमने आने वाले समय में चूँकि ये बात ऐसी नहीं है कि नेगेटिविटी से की जाए पर वार्डन हॉस्टल्स है वार्डन की पोस्ट नहीं थी, हमने पिछली कैबिनेट में ये सब पास करवाए हैं कि हर जगह बच्चियां होती है उनकी सिक्योरिटी होती है उनको एक प्रिकॉशन होता है उनको एक समझदारी के भाव से उन काउंसलर एक उनको चाहिए एक फिजिशियन चाहिए एक साइकिस्ट चाहिए साइकोलॉजिस्ट चाहिए। ये सब चूँकि एक किशोरावस्था की अवस्था में बच्चे को काउंसलिंग के लिए आवश्यकता पड़ती है इन सब पोस्टों की इजाद की, ये पहले नहीं थी ये व्यवस्था, ये पिछली कैबिनेट में मैंने पास करवाई, दो महीने लगभग इस सब विभाग को मुझे संभाले हुआ है। मेरी कोशिश है कि हम सकारात्मकता से पॉजिटिविटी से प्रदेश के परफॉर्म को सुधारते हुए बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ बनाएं और उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल की घटना के लिए एक कमेटी बनी है जो जल्दी एक बड़ी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर आगे सुधार किए जाएंगे।